नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उत्तर प्रदेश के चंदौली में इंडियन बैंक के 40 लॉकर काटकर जेवरात व अन्य सामान की चोरी के मामले में यूपी पुलिस और राधानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सोमवार शाम को कल पकड़े गए दो लोगों की निशानदेही पर राधानगर थाना क्षेत्र के बेगमगंज में छापेमारी कर न केवल पति पत्नी को गिरफ्तार किया बल्कि पकड़े गए व्यक्ति के साले के घर से चोरी कर लाए गए सोना और अन्य सामान भी बरामद किए गए। इंडियन बैंक से करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात तथा अन्य सामान लेकर शटर कटर गिरोह फरार हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से यूपी पुलिस ने LCT द्वारा राजमहल से पश्चिम बंगाल भाग रहे एक कथित आरोपी को नाटकीय ढंग से पकड़ लिया। यूपी पुलिस पिछले 10 दिनों से यहां आरोपी को दबोचने के लिए कैंप कर रही थी। LCT से धराए कथित आरोपी की निशानदेही पर राजमहल थाना क्षेत्र के जामनगर से भी एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों से मिली जानकारी पर आज राधानगर थाना क्षेत्र के बेगमगंज मिस्त्री टोला गांव से सोमवार को पुलिस ने कथित रूप से उत्तर प्रदेश से सोना चोरी मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया और थाने लाया गया। गिरफ्तार युवक का नाम पवन सा एवं उसकी पत्नी श्रुति देवी बताई जा रही है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।